गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा डिस्कवर किया था ये फार्मूला जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, और जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे आपका फार्मूलेट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डैट कंक्लूजन, व्हेन अ करंट आई flows through a conductor of resistance R for time t is given by H proportional to I square RT। इस proportional को हटा के जूल अपना एक constant देगा जिसको जूल equivalent of heat भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल आप याद रखिए H proportional to I square RT। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हीट बनी? देखिए आइए समझते हैं इस चीज को एक normal example से। मान लीजिए दो पत्थर हैं, दो पत्थर को आप आपस में हिट करते हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग वर्क। जब आप वर्क करते हैं तो ये पत्थर आपस में टकराते हैं, तो आपके द्वारा किया गया वर्क या एनर्जी कहाँ गई? और हमें ये पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अदर। इन द सिमिलर मैनर, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर के एंड पे अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, बेसिकली उस बैटरी के कारण जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है उनमें ड्रिफ्ट आ जाता है। ड्रिफ्ट का मतलब कि वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने स्टार्ट होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन तो आपका कंडक्टर में होता ही नहीं, कंडक्टर में काफी सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन भी होते हैं। तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं they will collide with themselves and with the positive ion in the interior of conductor। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे और साथ में पॉजिटिव आयन के साथ टकराएंगे, तो टकराने से बेटा कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। तो ऑन द बिहाफ ऑफ डैट उसने एज्यूम किया, एज्यूम ही बोल रहा हूँ बेटा मैं, एज्यूम किया कि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल, तो बीच रास्ते में एक कोलिजन होता है, उस कोलिजन में आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आपका आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बोला कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, माइमीन टू से पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड करते हैं, तो बैटरी वर्क करती है बेटा, बैटरी वर्क करती है इन पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, इन पुलिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू दी अदर। इट मीन्स बैटरी वर्क कर रही है, और जब इलेक्ट्रॉन पुल होंगे यानी मोशन आएगा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बनता है बेटा, करंट बनता है। तो इसीलिए क्या लिखा जाएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, या ये भी कह सकते हैं इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग दी करंट थ्रू आउट दी सर्किट, यानी सर्किट के अंदर करंट कितना बना उसके लिए, सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, एक्सप्रेशन लेते हैं, हमने लिखा इफ W इज दी वर्क डन, किसके द्वारा वर्क डन किया गया, ये बैटरी के द्वारा, इन कैरिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर। मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इस कॉर्नर पे, इन सबको पुल करेगा, धक्का देगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन स्मूथली जाएंगे यहाँ से इस एंड की तरफ यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट मेंटेन होगा सर्किट के अंदर, क्लियर। और इस करंट को मेंटेन करने में जितना वर्क डन इस बैटरी ने किया, उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर। तो चलते हैं, इफ W इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज क्यू फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, तो W क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल W बाई क्यू, ठीक। तो W किसके बराबर होगा, वी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। और बाय द ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है बेटा, IR के बराबर, और Q किसके बराबर होगा, IT, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट।
तो यहाँ से हमने जब Q की वैल्यू पुट की IT, तो हमारा आंसर कितना VIT। फिर जब हमने V की वैल्यू पुट की IR, तो हमारा आंसर आएगा आई स्क्वेयर RT। फिर हमने यहाँ से अगेन I की वैल्यू V बाय R पुट की, तो V स्क्वेयर बाय R इंटू में T। तो इट मीन्स वी आर हैविंग द थ्री फार्मूलाज हेयर, कौन कौन से, VIT, आई स्क्वेयर RT एंड V स्क्वेयर बाय RT। क्लियर। तो तीन फार्मूले हमने क्या किए, बॉक्स में क्लोज कर दिए, आपको भी याद रखने हैं। अब कहता है कि जो जो वर्क डन किया है, ये मेजर करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ पा रहे हैं, ये वर्क डन किया था, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। अगर नोट कीजिएगा, अगर किसी कंडक्टर में हीट का कंसेप्ट ज्यादा है, माई मीन टू से, जैसे आपका हीटर हुआ, ठीक है, आपका गीजर हुआ, यहाँ पर पानी गर्म होता है और तो कुछ काम नहीं होता। तो अगर हीटर की बात करें, अगर हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट। तो वहाँ पर W जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, तो W इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यही आपकी हीट होती है, VIT आई स्क्वेयर RT V स्क्वेयर बाय R इंटू में T। ओके जी, चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक पावर, पावर, ठीक है, पावर को एक्सप्लेन करते हैं। द रेट, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, ध्यान से, मैंने 9 में भी समझाया आपको। द रेट एट विच वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फार्मूला हमने जैसे लिखा, रेट है वर्क का, तो W बाय T हो जाएगा। W का फार्मूला अभी हमने पढ़ा वी आई टी, क्योंकि W किसके बराबर था, आपको हमने बताया था अभी। क्लियर, याद है या भूल गए? ओके, मैं दिखाता हूँ आप। तो अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था ना बेटा, V इज इक्वल टू W बाय क्या था, Q था। तो W किसके बराबर था, V Q के बराबर था। V की वैल्यू क्या रखी है हमने, आई Q की वैल्यू, सॉरी IT रखी थी, तो VIT आया था। ठीक है, तो VIT पुट किया बेटा यहाँ पर, डिवाइड बाय T, T से T कैंसिल, VI। तो ये आपका बेसिक फार्मूला बेटा, याद रखिएगा, VI याद रखिएगा, बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा। अब V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR, तो I स्क्वेयर R आ जाएगा। ठीक है, I की वैल्यू कितनी होती है, V बाय R, तो V स्क्वेयर बाय R यहाँ पर आएगा, R से R कट जाएगा, V स्क्वेयर बाय R हो जाएगा। ठीक, SI यूनिट क्या होती है बेटा पावर की, वोट होती है। तो P इज इक्वल टू VI, V की वैल्यू अगर 1 वोल्ट ले ली, I की वैल्यू 1 एम्पियर ले ली, तो 1 वोट हो जाएगी पावर। ठीक है, तो पावर इज सेट टू बी 1 वोट। कब 1 वोट होगी, जब जब क्या होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा एक सर्किट के अंदर अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। माई मीन टू से, मान लीजिए एक बल्ब है, उस बल्ब को आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल से जोड़ दिया, और उसमें करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो करता है, 1 एम्पियर फ्लो करता है, तो उसकी पावर हम ये मान के चलेंगे कि कितनी है बेटा, 1 वोल्ट है। ठीक है, अब आता है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कमर्शियल क्या होता है, कमर्शियल मतलब जैसे आपके कारखाने हैं या बड़े बड़े मिल हैं, राइस मिल हैं, इनमें तो हमारे जो, वैसे भी हमारा जो बिल आता है बेटा, वो किलोवाट आवर में आता है, यानी यूनिट। हमने कभी आप अपना बिल देखिएगा, उसमें लिखा होगा हाउ मेनी यूनिट कंज्यूम्ड, कितनी यूनिट आपकी कंज्यूम हुई है, तो वो 1 यूनिट होता है, 2 यूनिट। मान लीजिए आपके 250 यूनिट खर्च हुए, तो 250 गुना में जो भी चार्ज 1 यूनिट का है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आ जाता है। अब ये यूनिट क्या होता है, इसको समझिए। मान लीजिए आपके घर में 10 बल्ब हैं 100 वाट के, 10 बल्ब हैं 100 वाट के। ठीक है, ये 10 बल्ब 100 वाट के अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट। अगर 1000 वाट बल्ब को 1 घंटे के लिए चला दिया जाए, तो हमारे जो बिल आएगा मीटर में, वो आएगा 1 यूनिट। समझ पा रहे हैं, 1000 वाट को अगर जला दिया जाए, लिट कर दिया जाए 1 घंटे के लिए, तो हमारा जो बिजली का बिल आएगा वो 1 यूनिट आएगा। और हो सकता है 1 यूनिट का मतलब क्या है, 4 रुपये, हमारे घरों में 5 रुपये या 4 रुपये पर यूनिट है, हमने 5 रुपये बिल आया। तो ऐसे ही हमारे बिजली का बिल क्या है, काउंट होता है कि महीने में कितने यूनिट खर्च हुई। तो आइए समझते हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आर, यानी KWH में इसको काउंट करते हैं। KWH का मतलब है 1 यूनिट, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 KWH, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया पावर का, कि 100 वाट के 10 बल्ब। ठीक है,
तो इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मतलब क्या है कि जो बिजली डिपार्टमेंट ने एक यूनिट की वैल्यू रखी है, क्लियर, एक यूनिट की वैल्यू रखी है। इसके बाद आता है इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, यानी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसकी पावर कितनी देर की है, 1 किलोवाट, और जो कि 1 घंटे तक लगातार चलता रहता है, तो हम ये कहेंगे कितनी यूनिट खर्च हुई, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को देखिए बेटा कितना है, 1 किलोवाट आवर को मैंने थोड़ा सिंपली किया, 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट इंटू में 60 मिनट्स। वाट क्या होता है बेटा, पावर, पावर के फार्मूला डब्ल्यू बाई टी का मतलब डब्ल्यू जूल में होता है और टी सेकंड में होता है, तो 1000 जूल पर सेकंड इंटू में 60 मिनट था, 60 इंटू 60 सेकंड कर दिया, सेकंड से सेकंड कटा, तो हमारे पास कितना आया, 3.6 × 10⁶ जूल, और 10⁶ को हम क्या लिखते हैं, मेगा, तो 3.6 मेगा जूल। ओके, ये चीज़ आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। अब आता है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। जितने भी आप अप्लायंस खरीद के लाते हो बेटा मार्केट में, उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे वो कूलर हो, या और भी अप्लायंसेस, आपका गीजर हो, कुछ ना कुछ। तो आइए सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं हम। सिंपल एग्जांपल किस चीज़ का है बेटा, गीजर का है, आयरन का है, और हम सबसे ज़्यादा सिंपल लेके चलते हैं बल्ब को, जिससे आपको समझ में आएगा। किसी भी बल्ब को, आपके घर में कोई भी बल्ब लगा होगा फिलामेंट वाला, उस फिलामेंट वाले बल्ब को उतार के एक बार देखिए, उसके ऊपर लिखा होता है 100 वॉट, 200 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट, और उसके साथ में वोल्टेज भी लिखी होती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा यहाँ पर 100 वॉट, 250 वोल्ट, मतलब क्या है कि अगर बल्ब को 250 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो वो कंज्यूम करेगा 100 वाट ऑफ पावर, क्लियर, 100 वाट ऑफ पावर, मतलब 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी, या फिर लाइट एनर्जी भी बोल सकते हो आप। 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी कितने, हीट एनर्जी में, फॉर 1 सेकेंड। इससे हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब भी निकाल सकते हैं, यानी फिलामेंट जो हमारा लगा होता है उसमें स्प्रिंग सा होता है, जो टंगस्टन का बना होता है बेटा, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा, वी स्केयर बाय पी। तो वी कितना है बेटा यहाँ पर, 250 का स्केयर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जिसका आंसर आएगा 2625 ओम। करंट भी निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई फार्मूला होता है बेटा, आई इज इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा, पी दे रखे आपको 100 और वोल्टेज कितने दे रखे है, 250, तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा। इस 0.4 एम्पियर का मतलब क्या है बेटा, ये मैक्सिमम करंट है बेटा, ये क्या है, मैक्सिमम करंट है। अगर इससे ज़्यादा करंट हम दे देंगे तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर इससे कम करंट देंगे तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा, क्लियर। तो ये थे आपके कुछ टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किए आपके साथ, एंड होप दैट यू विल जस्ट डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स और आर्टिकल्स ऑन योर कॉपी। थैंक यू वेरी मच।